हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम ये वाला एलन सॉली का जैकेट देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 6000 से भी ज़्यादा रेटिंग है, 3.5 स्टार चलते हैं और मैंने इसे लास्ट ईयर खरीदा था। ये पूरा 1 साल का रिव्यू है। हावेवर मुंबई में ठंडी अप्रॉक्सीमेटली 2-4 महीने ही पड़ती है, तो समझ लो ना 2-4 महीने का ही रिव्यू बता रहा हूँ, बट 1 साल बाद का है, मतलब 1 साल पहले खरीदा था। ये रहा वो जैकेट, ये एम साइज़ है, मुझे एकदम परफेक्ट आता है। अभी मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 70 किलो है। ये मैंने 1500 रुपये का ख़रीदा था। ये फुल्ली पॉलिएस्टर है, मतलब जो छतरी वाला मटेरियल होता है ना, अम्ब्रेला वाला, कुछ उस टाइप का मटेरियल है। इससे इसके आर पार हवा नहीं जाती, इसके वजह से ये ठंडी रोकता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इस मॉडल में 3 कलर आते हैं, एक ब्लैक, एक ब्राउन और ये ग्रीन वाला ऑलिव टाइप जो आप देख सकते हो। और इसमें बहुत सारे दूसरे मॉडल्स आते हैं, थोड़े बहुत ग्राफिक्स चेंज के हिसाब से, मतलब थोड़ा डिज़ाइन चेंज होता है, बाकी सेम मटेरियल रहता है, सब कुछ सेम रहता है। आप देख सकते हो इसे मैंने ऑलमोस्ट हर बार 2-3 बार पहनने के बाद मैं इसे धो देता हूँ, 2-3 घंटे में सूख जाता है। 1500 रुपये का मैंने ख़रीदा था और जब ये नया लॉन्च हुआ था मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा ये 500-600 का भी मिलता था और इसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1500 रुपये के आसपास ही रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं गिरता। आप देख सकते हो एलन सॉली का यह आपको लोगो दिख रहा है। मैं इसे मशीन में वॉश करता हूँ दोस्तों, नॉर्मली ठंडे पानी में, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल लगा जिस टाइप से मैं इसे यूज़ करता हूँ। इसकी जो चेन की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एकदम ही स्मूथ चल रही है। ये मुझे एम साइज़ आता है दोस्तों, मुझे लगा था ये थोड़ा छोटा पड़ेगा बट एकदम ही परफेक्ट है दोस्तों, एकदम बॉडी को परफेक्ट टच हो जाता है और अंदर एक टी शर्ट या शर्ट भी मैं पहन सकता हूँ। और इसकी क्वालिटी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। हावेवर जो 100% कॉटन और पॉलिएस्टर के मिक्स वाला कपड़े जो हुडी रहता है उसे थोड़ा सा कम कंफर्ट है, बट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मुंबई का टेम्परेचर ये आराम से सह लेता है, जहाँ पे एकदम कम ठंड हो वहाँ पे आप ये वाला जैकेट आराम से यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी टाइप की लाइनिंग वगैरह या फिर थर्मल वैसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे लगता है डायरेक्ट ही है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और कैरी करने में एकदम सुपर हल्का है, लाइट वेट है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे टॉप नॉच लगी। इसे आयन वगैरह कुछ नहीं करना होता है, सीधा डायरेक्ट धोया सुखाया और पहन लिया होता है। आप जब पहनोगे तब इसके क्रीजेस ऑलमोस्ट चले ही जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मेरे हिसाब से ये जैकेट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप 1500 रुपये जितना इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये जैकेट आपको ले लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पतला है, कैरी करने के लिए आसान है, मिनिमम सी ठंड रोक लेता है, मुंबई के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट करके बाय करके ले सकते हो। 3 कलर आते हैं और इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, सबका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आप शूज़ देख रहे हो ये स्पार्क्स के 675 रनिंग शूज़ है, एथलीजियर शूज़ है, बहुत बढ़िया शूज़ है, मेमोरी फोम वाले के साथ आते हैं, मतलब वो कंफर्ट बेड बहुत ज़्यादा सुपर है। 999 से 999 के MRP है और अप्रॉक्सीमेटली 700-800 रुपये में मिल जाते हैं दोस्तों। इसका भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करना ज़रूर, ये शूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसका अनबॉक्सिंग लिंक भी आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन दे दीजिए और आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो शूज़ के रिलेटेड या फिर ये जैकेट के रिलेटेड, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को हेल्प करने की। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को एकदम फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों मेरे चैनल पर, और बहुत सारे वीडियोज़ है वो भी चेकआउट कर लीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।